रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आए दिन मेरे पास बहुत सारे नए नए तरह के सवाल आते हैं, कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिजिकल, तो ये सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं। मैं यहाँ पर आपको आज एक मुख्य सवाल पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि फंडस टेस्ट क्या होता है, किस तरह से ये किया जाता है, क्यों आपके लिए ज़रूरी है और क्या आपके साथ भी होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बारे में आप एक बार जान के चले। ये जो टेस्ट या ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है ये ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर कहलाती है। क्या दोस्तों? लिखा हुआ है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर कहलाती है। इसकी हेल्प से आपका वहां एक चेकअप तो जरूर किया जाएगा दोस्तों। हमारे टाइम में मेरा भी किया गया था। कैसे किया गया था, क्या किया गया था, वो सब चीज मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूं कि हम क्या क्या चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा और मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट टेस्ट के बारे में कि क्या क्या चीजें होती हैं। पहले टेस्ट से पहले आपको क्या चीज कराई जाएगी आपके साथ, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए जरा, मैंने सारी चीजें आपके लिए पहले से ही लिख कर रख ली हैं ताकि एक एक करके बिना किसी रुकावट के मैं आपको समझा सकूं। हर चीज दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि आप अभी इस फेज से नहीं गुजरे हैं। मैं इस फेज से गुजर चुका हूं, बहुत मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके साथ। तो देखो, रेटिना टेस्ट बोलते हैं दोस्तों इसको, फंडस टेस्ट बोल देते हैं, और इसमें ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर का रोल है। कैसे होता है, क्या होता है, समझिएगा इस चीज को बड़े ध्यान से। तो दोस्तों देखो, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, फंडस लिक्विड, सबसे पहले जब आपकी आंखों में फंडस लिक्विड डाला जाता है तो इससे होता क्या है और ये क्यों डाला जाता है वो मैं आपको बताता हूं। फंडस लिक्विड जब आपकी आंखों में डाल देंगे तो आपकी आंखों में थोड़ा धुंधलापन आएगा। ठीक है, धुंधलापन आएगा, अंधेरा सा आएगा थोड़ा आंखों में, थोड़ा सा हल्का सा आपको अलग सा एहसास होगा। ये डाला क्यों गया आपकी आंखों में? ताकि आपके आंख की जो पुतली है, रेटिना है, जो पुतली है वो थोड़ी फूल जाती है। अब ये फुलाते क्यों है? इसको फुलाते इसलिए कि अगर आपने आंखों में किसी भी प्रकार के कॉन्टेक्ट लेंस का यूज किया है तो उसको डिटेक्ट करने में बहुत आसानी रहे। अब आपकी आंखों में जो फंडस लिक्विड है वो डाल दिया गया, फंडस लिक्विड डाल दिया गया, वाई का जवाब मैंने दे दिया। फंडस लिक्विड वर्क कैसे करता है मैंने बता दिया कि कॉन्टेक्ट लेंस को डिटेक्ट करने के लिए इसको हम यूज लेते हैं। अब आपकी आंखों में फंडस लिक्विड डाला गया है, आपको आधा एक घंटे या आधा पौन घंटे के लिए आपको बैठा दिया जाएगा, इतने में वो जो है वर्क कर देगा आपकी आंख में पूरा फंडस लिक्विड, जो उसका वर्किंग है वो पूरी आधे एक घंटे में कर देगा। पुतली फूल जाती है इससे बिल्कुल। पहले फंडस डालते हैं आंख में, फंडस टेस्ट होता है, उसके बाद आपको ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के दर्शन कराए जाते हैं। तो दोस्तों आओ मैं बताता हूं क्या चीज है ये, पूरी का पूरा मैटर क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। तो ये पूरा का पूरा जो मैटर है दोस्तों ये है, मैं आगे बताता हूं। देखिए क्या क्या चीजें होती हैं आपके साथ, कि दोनों आंखों का चेकअप होगा, मतलब दोनों आंखों में डाला जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि दोनों आंखों में ही तो आपको चेक करेगा वो लेंस है कि नहीं है। तो लेंस कौन डिटेक्ट करेगा? फंडस लिक्विड की हेल्प लेते हैं उसमें डिटेक्ट करने में, लेकिन फाइनल मशीन जो है बता देती है कि इसकी आंखों में लेंस लगा हुआ है कि नहीं। तो यहां पर आधा या एक घंटे का रेस्ट देते हैं आंखों में लिक्विड डालने के बाद, आंखों में धुंधलापन या अंधेरा सा आ जाता है, दिखना सा बंद हो जाता है, पुतली फूल जाती है। मशीन जब पुतली फूल गई फिर आपको बुलाया जाएगा, एक एक कैंडिडेट को वन बाई वन करते हुए मशीन पर बुलाया जाएगा, वो मशीन होगी ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। वहां पर चेक करने वाला एक डॉक्टर होगा, वो पहले एक आंख पर फिर दूसरी आंख पर आपको चेक करेगा, फिर बाद में रिपोर्ट वगैरह बना के देते हैं। तो इसकी हेल्प से, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर की हेल्प से लेंस का मालूम हो जाता है, भाई लेंस का पता चल जाता है। चेकअप कैसे करता है दोस्तों वो मैं आपको लेकर चलता हूं मशीन पर। मशीन क्या कहती है? मशीन कुछ नहीं कहती बेचारी, मशीन तो सब कुछ सही बताती है जैसा उसको बताना चाहिए। मैं आपको लेकर चलता हूं मशीन पर। देखिए दोस्तों, ये रही ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर की इमेजेस आपके सामने। मैं यहां पर एक सटीक इमेज आपको दिखाता हूं जिसमें कि चेकअप किसी का किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे होंगे। मुझे आप बताओ कि आपको वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? मेरी पूरी कोशिश है कि आपको वीडियो में, जी हाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आपको फोकस करना है, यहां पर, ठीक है, यहां पर फोकस करना है आपको। मैं रेड कलर लेता हूं, यहां पर मतलब आपको फोकस करना है कि ठोड़ी कहां रखी गई है। लड़की पर फोकस नहीं करना भाई, है तो यहां पर उसकी ठोड़ी रखी गई है, तो ऐसे ठोड़ी रखी जाएगी। मशीन पर हिस्सा होता है, ऐसे ठोड़ी रख दी जाएगी, इस तरीके से हम ऐसे रखेंगे प्यार से, और सामने हमारी आंखों को देखने के लिए उसमें स्पेस होता है। तो यहां पर डॉक्टर अपनी आंखों से देखता है इसमें, यहां पर हमारी आंख पर इस पे चेक करेगा भी, और कभी दूसरी आंख पर चेक करेगा। तो इस तरीके से हमारी दोनों आंखों का चेकअप बड़े आसानी से कर लिया जाता है कि हमारी आंख में लेंस है कि नहीं है।
दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप बिल्कुल भी ये चालूपंती मत करें कि आपके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जान पाएंगे वहां पे। वो डॉक्टर है भाई, उनको अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उसको एक्सपीरियंस है अपने काम करने का। वो हर एक चीज पहचान लेते हैं आपकी वहां पर, हर एक चीज। तो लेंस लगा रखा हो आपने, सर्जरी करा रखी हो, हर एक चीज आपकी डिटेक्ट हो जाएगी, आप टेंशन मत लो, उनका काम वो जानते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको और भी एक्स्ट्रा जानकारी यहां से ये देना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे रेलवे के मेडिकल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डाउट क्लियर कर रखे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसके लिए कहां जाना पड़ेगा। आपको दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं ये आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, तो आप जब चैनल पर पहुंचेंगे बड़े ध्यान से, तो यहां पर आपको कोने में आइकन मिलता है, यहां पर आप जाइए, क्लिक कीजिए, चैनल पर आइए, ठीक। तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट में आ जाना दोस्तों। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट में आओगे तो इस पे आपको आने का फायदा क्या होगा, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, कवर कर दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर जो टॉपिक है ग्रुप डी पैट के ऊपर मैंने पूरा टॉपिक कवर कर दिया अभी हाल ही में। ग्रुप डी पैट में वॉच अलाउ होती है क्या, पहला टॉपिक यही है। कितने समय बाद पैट के, कितने समय बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, पैट रिजल्ट कितने टाइम में जाता है, पैट मेरा कब और कहां हुआ था, फाइनल मेरिट पैट के बाद बनती है पहले बनती है, ये सब चीज। फ्लैट फुट के ऊपर वीडियो, आपका चश्मा जो है उसमें स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल का क्या मतलब होता है, नोक नी के ऊपर वीडियो है, पाइल्स के ऊपर वीडियो बना दिया, स्क्विंट आई के ऊपर, ये जितनी भी जानकारी है दोस्तों ऐसे किसी भी तुक्के से नहीं बनाता मैं। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इसका एक आधार है, और इसका आधार क्या है, मैं अपने विभाग से, अपने स्टाफ से, अपने कंसर्न स्टाफ से पूछ करके आपको ये सारी जानकारी यहां पर देता हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रुप डी रेस कैसे लगानी है, वेरिकोज वेन्स, ग्रुप डी में मैट का क्या रोल है, मैट किस तरह से काम करता है, ईयर टेस्ट होगा क्या नहीं होगा, चिप सिस्टम कैसे काम करता है। ग्रुप डी रेस वालों को मैंने सलाह दी है मेरे जो एक्सपीरियंस था उसके आधार पर, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट आपका, ठीक है, सब चीज मैंने बता दी दोस्तों। जीडीसी एग्जाम के बारे में, आपके ईमेल आईडी पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे आएंगे वो सब मैंने बता दिया। ग्रुप डी ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेलवे आपको भेजेगा, कैसे कैसे रेडी कराने, कहाँ कहाँ सिग्नेचर कराने, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल जो है ग्रुप डी में कि भाई मेरा ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म खो गया, जो मेरी हार्ड कॉपी मिली थी, मेरा आधार कार्ड गलत है, मेरा नाम गलत है, मेरे डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरे फादर का, पेरेंट्स का नाम गलत है, ठीक है, ये भी मैंने कवर कर दिया भाई, ठीक। यहाँ पर जीडीसी एग्जाम के बारे में बता रखा है, ठीक, कैटरैक्ट, नोकनी, गुटका खाता हूं, पथरी स्टोन है, ट्रैक मेंटेनर के साथ मैंने इंटरव्यू कर रखा है, कलर जन में कौन सी पोस्ट मिलेगी, तो भाई बहुत सारी, अगर मैं बताने लगूं तो शायद मेरी एनर्जी कम पड़ जाएगी, लेकिन आप अच्छे से समझो इसलिए मैंने सारी चीज यहाँ पे पहले ही वीडियो से कवर कर दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं था, कुछ जानकारी मिली, कोई नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तब तक के लिए आप सभी लोगों से बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत नमस्कार।